अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम सीखना है कैंसिलेशन लॉज, ठीक है, फॉर एनी थ्री नंबर्स ए बी सी। कोई से तीन नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं ग्रुप में से। तो देखते हैं हमारे पास थ्योरम क्या है। पहला है हमारे पास, पहले नंबर पे ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज बी बराबर सी। अगर ए बी बराबर है ए सी के तो हमने शो करना है बी बराबर है सी के। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब जो हमारे पास गिवन है हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट ए बी बराबर है ए सी के, ये हमारे पास गिवन था। दिस इंप्लाइज अगर हम प्री मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड ए इनवर्स से, कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? अब इसकी वजह यह है, सिंस हमें पता है कि जो ए है वो बिलोंग करता है ग्रुप में से। अगर ए ग्रुप में से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज ग्रुप की प्रॉपर्टी है, लाजमी तौर पर वहां पे ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से, चूंकि ए हमारे पास ग्रुप में से बिलोंग करता है, हमने बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई करवा दिया ए इनवर्स से। अब हम इसकी एसोसिएशन चेंज कर देते हैं। ए इनवर्स इनटू ए, ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी है, एसोसिएशन ला होल्ड करता है, बी कर दिया ए इनवर्स इनटू ए और ये सी एज इट इज। अब हमें पता है ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, राइट साइड पे भी। तो दिस इंप्लाइज हमें ये भी पता है कि आइडेंटिटी जो होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वन है, वन से किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो वो वापस वही आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, ये चीज शो करनी थी हमने, ये प्रूव्ड हो गया। नंबर टू पे हमारे पास जो लॉ है, थ्योरम है कह लें, नंबर टू पे हमने प्रूफ करना है बी ए बराबर है सी ए के, देन दिस इंप्लाइज हमने क्या प्रूफ करना है, बी और सी बराबर है। स्टूडेंट्स, इसको हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन दा। अब एज इट इज ऊपर जो पैटर्न यूज किया हम यहां पे भी वही करेंगे। लेट कर लिया जो हमारे पास गिवन है बी ए बराबर है सी ए। अब इसमें माइनर सा चेंज ये आएगा, पहले हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करवाई, अब अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएं बोथ साइड ए इनवर्स से, पोस्ट कहते हैं बाद में, बी ए एज इट इज ए इनवर्स से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की हमने और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। अब इसकी एसोसिएशन बदल देते हैं, बी ए इंटू ए इनवर्स सी ए इंटू ए इनवर्स। ए जो ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी, और आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करें वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो यही चीज प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड।